हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग ऐसी 7 कप बर्फी रेसिपी। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स 1-1 कप यूज़ करेंगे सिवाय शुगर के, और बहुत ही झटपट बन जाती है। सारे इंग्रेडिएंट ऐसे जो घर में अवेलेबल होते हैं। तो ये वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए विदिस कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने, और उसमें मैं ले रही हूँ 1 कप घी। यहाँ पे हर चीज़ हम कप के मेज़रमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो कोई भी एक कटोरी, बाउल, कुछ भी ले लीजिए, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसी के हिसाब से आप उसको यूज़ करिए। तो घी हमारा हो चुका है गरम। तो सेम कप से मैंने मेज़र कर लिया है बेसन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप बेसन। आपको लग रहा होगा घी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम डाल सकते हैं, बट ऐसी जो बर्फी है, मिठाई है, अगर भरपूर घी में ना बने तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। और इसका टेस्ट तभी मज़ा आता है जब परफेक्ट घी हो तब। थोड़ा सा कम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट घी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसको अच्छे से लो फ्लेम पे कुक करेंगे, और इसको हमें गोल्डन कलर का होना है तब तक कुक करना है। और साथ में इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी बेसन की, तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए, मैं इसको लो फ्लेम पे कुक करती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं बेसन जैसे जैसे कुक होता जा रहा है, ऐसे झाग बन रहा है, बबल्स आने लग गए हैं, और परफेक्टली हमारा जो बेसन है वो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ रहा है, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है बेसन की जब घी में रोस्ट होता है। तो इसको इसी तरह से मिलाते जाइए और कुक करते जाइए लो फ्लेम पे। और जब ये ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बादाम का पाउडर। यहाँ पे मैंने सेम 1 कप बादाम का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने बादाम्स को रोस्ट नहीं किया है, आलमंड को लिया और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया, बस वही। और सेम 1 कप मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जो बहुत ही आसानी से सारी ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल होता है। तो अब मैं इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं कि बैटर कितना गाढ़ा होने लग गया है। और इसे भी हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं, पर 2 से 3 मिनट हल्का सा आपको कोकोनट कुक हो जाएगा, उसकी स्मेल आने लग जाएगी, आलमंड कुक होने की स्मेल आने लग जाएगी, तब तक सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे। और अच्छे से ये कुक हो जाने के बाद में इसमें हम डालेंगे शुगर। तो ऐसे तो हम इसमें 2 कप शुगर डालना होता है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 से 2 कप में आराम से मीठा हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा 2 कप डालिए, वरना 1.5 कप भी इनफ है। तो शुगर मैंने डाल दी है, और इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। शुगर डालने के बाद में हम 1 से 2 मिनट इसको और भी कुक करेंगे, ताकि शुगर अच्छे से कुक हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दे दे। तो इसी तरह से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी और कुक करती जाऊंगी, और सारी प्रोसेस जो है हमें लो फ्लेम पे ही करनी है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, झटपट से बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब मैं इसमें डाली हूँ 1 कप दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, बॉईल करने के बाद में जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है वो वाला है, कच्चा दूध नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दूध, जिसको मैं बैचेस में डाल रही हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे आ चुके हैं, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध डालने के बाद में आप देखिएगा इसका टेक्सचर ही एकदम डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, पर थोड़ा सा और कुक करेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। और अब मैं लास्ट में इसमें डाली हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहे तो भी ठीक है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद में इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे कुक होता जाएगा घी रिलीज़ कर देगा, साइड्स रिलीज़ कर देगा पैन की, और वैसा ही टेक्स्चर हमें चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्चर है इसका थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है, और साइड्स में से घी भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। ये परफेक्ट टेक्स्चर है बर्फी के लिए। आपको अभी थोड़ा लिक्विड लग रहा है, पर जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बर्फी का जो बैटर है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं गैस को कर दूँगी बंद, और गैस बंद करने के बाद में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस को कर लिया है बंद, और यहाँ पे जिसमें आपको शिफ्ट करना है उसमें आप या तो इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए, या तो इसको घी से ग्रीस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, उसमें मैं ये बैटर जो है बर्फी का वो डाल देती हूँ, और इसको हम अच्छे से फैला देंगे। आपको जिस थिकनेस की और जैसी चाहिए उस तरह से आप उसको फैला सकते हैं। यहाँ पर मैं न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, वैसी मीडियम थिक बर्फी बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ।
और इसको अच्छे से मैं फैला दूंगी हर जगह से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और एक जैसी थिकनेस की बन जाए। तो ये देखिए मेरी जो बर्फ़ी का लेयर है वो परफेक्टली सेट हो चुका है। और अच्छे से सेट होने के बाद में आप चाहें तो इस पर सिल्वर फॉइल लगा सकते हैं, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलमंड्स का पाउडर जो हमने बना कर के इसमें डाला था, तो वो ही डाल रही हूँ, अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और साथ में ही मैंने आलमंड्स को चॉप करके भी रखा था, तो वो भी मैं डालूँगी। आप चाहें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कैश्यू, पिस्ता, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आलमंड पाउडर को हल्का सा प्रेस कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक चॉप किया आलमंड्स। अच्छे से इसको भी मैं पूरी तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी, और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब हम बर्फ़ी कट करेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इसके लिए मैं इसको हल्के से प्रेस कर देती हूँ इस तरह से। और अब हम इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, तो झटपट से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी करने रख दूँगी, और ये रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद में ये परफेक्टली सेट हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो साइज़ की और जो थिकनेस की आपको पसंद है बर्फ़ी, आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, इस तरह से मीडियम साइज़ की बर्फ़ी कट कर रही हूँ। और बर्फ़ी की साइज़ और शेप बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने इस तरह से एक सीधी लाइंस बना ली है, और अब मैं इसको बना रही हूँ डायमंड शेप का। अगर आप चाहें तो स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। तो डायमंड शेप के लिए मैं इस तरह से इसको क्रॉस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो सिंपल सी स्क्वायर शेप भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बर्फ़ी जिस तरह से सबसे कट हो रही है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, चाकू पे बिल्कुल स्टिक भी नहीं हो रही है और बहुत ही इजीली कट भी हो रही है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में आप बनाएंगे तो परफेक्ट ऐसी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी बन करके। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी ऐसी 7 कप बर्फ़ी, वो भी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जो घर में ईजीली अवेलेबल है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जितनी झटपट बन जाती है उतनी ही टेम्पटिंग लगती है। और बच्चों को आप इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स का डेसिकेटेड कोकोनट सब मिला करके खिला भी सकते हैं। और ये देखिए पास में आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ और तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट है, और एकदम मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी हमारी रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।